Yeah, one. Lelo. You are spilling. Spoon. ये है वो रबड़ का ट्री, ये लगा दिया यहाँ पे कट। सेम लोकेशन पे आपको दिखाऊंगा, थोड़ी देर में रबड़ आना शुरू हो जाएगा। मैं खड़ा हूँ कोलंबो के गांव में। आपको स्पेशल मैंने गांव दिखाना था, इसलिए मैं कैंडी से चल के यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ गांव में स्पेशल दो तीन खेती होती है भाई। एक तो ये देखो, कोकोनट। व्हाट इज दिस? पाइनएप्पल। ये मेरे पीछे देखो भाई, पाइनएप्पल के पेड़ है। ये कोकोनट, और ये देखो ऊपर पपाया, मतलब पपीता। पपाया ये देखो कितना बड़ा पेड़ है भाई, पपाया का, पपीते का, बिल्कुल कोकोनट वाले से भी ऊंचा है। श्रीलंका के कोकोनट का एक आपको फायदा बता दूं, श्रीलंका में जो कोकोनट पेड़ होते हैं, जो कोकोनट लगता है, उनकी हाइट देखो, ये देखो आप यहाँ से पकड़ सकते हो भाई। इन श्रीलंका वी कैन कोट कोकोनट सम स्पेशल ब्रीड। हाँ, अब भाई कोकोनट का आनंद लेंगे, पेड़ से सीधा तोड़ के कोकोनट का वाटर पियेंगे। अभी कैमरा लुक आउट, ओके? नो प्रॉब्लम। लुक आउट, ओके? हो, वेट 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 व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? बी केयरफुल हियर। या हो रन यू द हिमात। या जस्ट या वन ले लो भाई इसको, ओके? या हो या कोई दिक्कत नहीं। यू नो हाउ टू कट इट? डू यू नो? आई कट इट वेल। ओह, यू नो? ओके, दीज आर यंग कोकोनट, नॉट राइप वेल, देन वी कैन ड्रिंक इट। आह, oh, enough. ये है भाई कोकोनट वाटर। अब देसी स्टाइल में पियेंगे। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इन माई स्टाइल, ओके? या डोंट स्पिल इट, ओके? ओह, यू आर स्पिलिंग। एक नंबर। हाउ वाज द टेस्ट? गुड? गुड टेस्ट। या स्वीट? या। एंड यू कैन कट इट? पहली बार भाई जिंदगी में सीधा पेड़ से पिया है। कट इट। वी कैन ईट द फ्लेश आल्सो। दिस? या, लाइक दैट। मिडल। या। हाफ। ओ। नो फ्लेश, फाड़ देते हैं। ओह, लिटिल नो? या लिटिल है। या इसको नो, वेट, वी कैन हैव अ स्पून फ्रॉम दिस। या वेट, ये देखो भाई मुझे कुछ सिखा रही है। स्पून। ये चम्मच बना दी, टेक इट। लिटिल दिस वन। बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। And it's like even. इसका नाम क्या है? नाम? We call it like kurumba, but it's not. मेरी हिंदी समझ गई? Kurumba in Sinhala. Kurumba. Kurumba, flesh. Having no. No, because it's too young. Too young. After 2-3 weeks. How much time it will take to grow a coconut? Usually this I think 3 years, but within 5 years, tall one. We can get the crop. Okay. But and after that, you know. After 2.5 months, we continuous, we can get this coconut. Okay. 2.5 months. Every 2.5 months. Totally take 5 years, huh? To cut a coconut.
पाँच साल की खेती है भाई, और हर दो ढाई महीने में इनको कोकोनट मिलते रहते हैं। एवरी इन टू एंड हाफ मंथ यू विल गेट कोकोनट। एंड हाउ मच कोकोनट फ्रॉम अ ट्री, हाउ मच? इट्स डिपेंड, लाइक समटाइम्स इट्स लाइक 60, द यू नो विद द क्वालिटी ऑफ द ट्री। भाई क्वालिटी के हिसाब से कभी एक पेड़ के ऊपर 50 लग गए, कभी 60 लग गए। ये ऐसा सीन है कोकोनट का। मज़ा आ गया आज, ताज़ा ताज़ा कोकोनट पिए। ये जो आपको छोटे छोटे बनाना के पेड़ दिख रहे हैं ना, अपने जैसे खेत में घास उग जाता है खरपतवार, ऐसे ही ये पेड़ उगे हैं भाई, इनको लगाया नहीं गया है। यहाँ पे कुदरत ऐसी है कि अपने आप उगते हैं। और खेत के चारों तरफ कोकोनट की बाड़ की हुई ने, यानी खेत के अंदर नहीं लगाते, ये ऐसे चारों तरफ लगाते हैं भाई। एवरी वन प्लांट कोकोनट ऑन द बॉर्डर ऑफ द, सॉरी वो सोचना गलत थी भाई, खेत के चारों तरफ कोकोनट की बाड़ नहीं लगाते, ये बोलते हैं। ये हमने एक्सपीरियंस करके देखा है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। वेयर वी आर गोइंग, ये बोल रही है, अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि कोकोनट एक प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से कैसे प्लांट किए जाते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंट बता रही है। ये देखो भाई, इनकी हाइट ज़्यादा है क्योंकि इनको ज़्यादा गैप भी लगाया गया है, बट दीज वॉज गुड फॉर मी, इजिली कैन कैच कोकोनट। ये देखो भाई, बड़े बड़े कोकोनट के पेड़ हैं, बहुत अच्छी हाइट है। देन हाउ टू गेट कोकोनट फ्रॉम दैट मच हाइट? स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू गेट इट। अच्छा, इनके पास कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है भाई कट करने के लिए? लॉन्ग बैम्बू, बैम्बू या एंड द एंड ऑफ द बैम्बू वी हैव समथिंग टू कैच द कोकोनट। नाइफ समथिंग लाइक दिस, कर्व नाइफ। ओके, स्पेशल। अपने हरियाणा में आंकड़ा नहीं बोलते हैं, जैसे पहले बेर जड़ा करते थे, वैसे इनके पास है कुछ। इसी वीडियो में एक वीडियो ऐड करूंगा मैं, जिसमें मैंने रबड़ के पेड़ से रबड़ निकाल के दिखाया था। वो वीडियो मैंने थोड़ी पहले शूट की थी सुबह, जब मैं रबड़ के पेड़ से रबड़ निकाल रहा था। हाउ मच अर्निंग ऑफ ए फार्मर वन कोकोनट ओनली इन 50 और 60 रुपीज? भाई इनका एक कोकोनट 50 से 60 में बिकता है। If say we says one from one plant 50 coconut is like 70, that mean 50 70, 3500. Yeah. Okay. Then we can multiply by 60 or 50 rupees. Okay. Yeah. भाई एक एकड़ में खाली ये बेहतर कोकोनट के पेड़ लगाते हैं, और एक कोकोनट के पेड़ पे 50 से 60 कोकोनट लगते हैं, और हर कोकोनट इनका 50 से 60 रुपये बिकता है। तो यानी बेहतर पेड़ 70 ही लगा लो, एक आधा ख़राब भी हो जाए भाई, तो एक एकड़ में 70 पेड़ हो गए, उसके ऊपर 50 कोकोनट लगा लो, कम से कम 3500 हो गए। अब 3500 को आप 50 से गुणा कर लो या 60 से गुणा कर लो, तो वो इनकी इनकम निकल आएगी कोकोनट से। यू हैव ऑल्सो टू स्पेंड मनी टू प्लांट कोकोनट, सो आई थिंक नॉट दैट मच बिग इनकम। इनकी एक समस्या और भी है भाई, जो गवर्नमेंट है उसने रासायनिक खाद वगैरह बंद कर दिए, जो भी करो वो ऑर्गेनिक से करो। ये देखो, ये ऑर्गेनिक खाद है, ड्रैगन फ्रूट। यस, ये ड्रैगन फ्रूट लगा रही है भाई। और श्रीलंका में सरकार ने सबसे बड़ा गलत काम यही किया था, रासायनिक खाद बंद कर दी थी, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद 15-20 साल लेती है रिजल्ट लगाने में, और इसी कारण इनकी खेती एकदम डाउन हो गई और श्रीलंका में क्राइसिस आ गई। श्रीलंका में मेन चीज़ भाई ये कोकोनट और चाय की खेती और रबड़, तीन ये मेन चीज़ें भाई। और श्रीलंका गवर्नमेंट ने किसानों पर ऐसा हमला किया, ये देखो किसानों की वजह से क्या हालत हो गई, क्राइसिस आ गए। इनके पास और तो कुछ है ही नहीं, खाली कोकोनट है, रबड़ ट्री और टी। टी इंडिया में भी बहुत होती है, पर अपने वाले पीते बहुत हैं। तो श्रीलंका में फिलहाल ये ऑर्गेनिक खाद यूज़ कर रहे हैं, रासायनिक खाद बहुत महंगी है भाई इनके लिए। मोर एक्सपेंसिव? नॉट अवेलेबल है, हार्ड टू फाइंड, मतलब ढूंढना मुश्किल है और एक्सपेंसिव भी है, इसलिए ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते। ये देखो भाई, मैं फिलहाल खड़ा हूँ रबड़ के ट्री के पास, ये है मेरे पीछे रबड़ का ट्री, और इसको मैंने इतना कट मारा, ये देखो ये रबड़ बहने लग गए यहाँ से, दिख रहा होगा आपको, यहाँ से रबड़ की नदियाँ बहने लग गई। ये देखो भाई, ये ऊपर चढ़ गया, इनकी टेक्निक देखो, दोनों पैरों में रस्से बंध गए बांदर की तरह, ऊपर जा रहा है, ऊपर से कट लगाएगा रबड़ को, ये एक्सक्लूसिव चीज़ दिखा दिया आपको। चलो एक अलग जगह कट मारते हैं, यहाँ मारता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। ये लगा दिया यहाँ पे कट, सेम लोकेशन पे आपको दिखाऊंगा, थोड़ी देर में रबड़ आना शुरू हो जाएगा। ये देखो भाई, ये लिक्विड आ रहा है ऊपर से, यहाँ पे जो मैंने कट मारा था उससे भी आना शुरू हो गया।
ये हैं रबड़ की ट्री, ऐसी होती है भाई खेती रबड़ की।